देहरादून में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम बड़े ही सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी बुलडोजर के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने आमवाला तरला में भी सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाया है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि सरकारी जमीनों पर जहां भी अतिक्रमण होगा, चाहे वह कच्चा अतिक्रमण हो या फिर पक्का अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाएगा। सरकारी जमीन सिर्फ सरकार के काम आएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अतिक्रमण जो है होना ही नहीं चाहिए। अब ये कोई किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि सरकारी जमीन में जहाँ मर्जी बैठ जाओ। जहाँ जहाँ हमारे पास शिकायतें आती हैं वहाँ उसका जो है अतिक्रमण, चाहे वो पक्का हो चाहे कच्चा हो, उसको